Assalamualaikum and welcome back to my channel. कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है कि ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, खुश हैं. और थैंक यू सो मच मेरी ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो को इतना पसंद करने के लिए, मुझे इतने सारे मैसेजेस करने के लिए, बहुत शुक्रिया. आज मैं लेकर आई हूँ हमारी अम्मियों के लिए बहुत सारे डिज़ाइंस, क्योंकि हमारी अम्मियाँ जो है बहुत मासूम होती हैं. वो जैसे कहीं बाहर जाती हैं तो वो इतने हैवी ड्रेसेस नहीं पहनती. तो मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें अम्मी के ड्रेसेस तो वही होंगे नॉर्मल लॉन के, लेकिन उन्हें हम ऐसे डिज़ाइन करेंगे कि वो फॉर्मल लगेंगे और वो आराम से दावत शावत हो या कुछ भी हो, शादी हो, वो आराम से पहन सकती हैं. तो कुछ अम्मियों के लिए भी करना चाहिए. हर वक्त हम अपने ड्रेसेस डिज़ाइन करने से बेहतर है कि कभी कभी अम्मी के लिए भी एक दो सूट्स जो है ना वो अच्छे से डिज़ाइन कर देने चाहिए. तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आगे आने वाली तमाम देसी रेसिपीज और देसी डिजाइंस आप तक आसानी से पहुंच जाएं. चलें जी, स्टार्ट करते हैं वीडियो को. ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं अपने फर्स्ट डिज़ाइन की तरफ. जैसा कि मैंने आपको बताया कि लॉन के ड्रेसेस हैं और अम्मियों को, हमारी जो मदर्स हैं या मदर इन लॉज हैं, जिनके लिए भी हम बना रहे हैं ये ड्रेसेस, उन्हें गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और मतलब वो ज़्यादा फॉर्मल नहीं पहन सकती. चाहे शादियाँ हों, चाहे दावतें हों, कुछ भी हों, तो हमारी अम्माएँ जो हैं वो फॉर्मल्स नहीं पहन सकती. तो उनके लिए हमने क्या करना है, लॉन के ड्रेसेस को बनाना है थोड़ा सा हैवी, थोड़ा सा फॉर्मल, ताकि वो आराम से पहन सकें. तो सबसे पहले ये ड्रेस आ गया, आप इसका कलर कॉम्बिनेशन चेक करें, कितना मज़े का है, येलो और ब्लू. अच्छा, इसमें क्या है, इसमें सिंपल है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, सिर्फ बॉर्डर है. जैसे मैंने कल आप लोगों को दिखाया था, इस तरह से आप देख लें बॉर्डर, और ये स्लीव जो है वो बिल्कुल प्लेन है. इसकी जो बेस्ट चीज़ है, एक तो गले में ऑलरेडी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, कुछ ज़्यादा इसको करने की ज़रूरत नहीं है. टेलर ने जो है वो इसमें ये चीज़ अच्छी बना के दी है, दोनों लेसों को कर दिया है जॉइंट, ठीक है. और ये देखें, इसे पर्ल्स जो है ना इससे अटैच कर दिया. ये लेस पर्ल्स वाली नहीं है, ये जो सिंपल लेसेस होती है जो आराम से हर जगह मिल जाती हैं, उसने क्या किया है, इनको दोनों को एक तो अटैच कर दिया, ये दोनों अलग अलग हैं, इन दोनों को अटैच कर दिया है, और ये पर्ल्स जो हैं वो इस तरह अटैच करके ये दामन इतना खूबसूरत बना दिया. तो आप सिंपल ड्रेसेस को हैवी बना सकते हैं, डिज़ाइनर बना सकते हैं, अच्छे बना सकते हैं इस तरीके से. ये देख सकते हैं आप कि ये दो लेसेस हैं, इसे ज्वाइन किया हुआ है पर्ल्स के साथ, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है. डिफरेंट डिफरेंट लेसेस हैं और ये पर्ल के साथ ऐसा लग रहा है जैसे ओवरऑल पर्ल वाली लेस है. बाकी पूरा ड्रेस सिंपल है, आगे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और स्लीव्स पे बस बॉर्डर्स लगे हुए हैं. चलें जी, डिटेल्ड वीडियो आप लोगों ने देख ली है. अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट ड्रेस की तरफ. और नेक्स्ट ड्रेस जो है वो हमारे इसमें क्या है, आप देख सकते हैं ये आ गया है लॉन का प्लेन ड्रेस. और आजकल मिरर बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, ये देखें 1, 2 और 3 हमने मिरर वाले बटन्स लगा दिए हैं. मिरर वाली लेसेस भी चल रही हैं, मिरर वाले बटन चल रहे हैं, मिरर वाले काम की कुर्तियाँ चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जो आप आराम से लगा सकते हैं. थोड़ी सी हमने ले ली है हैवी वाली लेस, और लेस जो है ना हमने इस तरह से यहाँ पे ये जो चाके हैं चाकों पे ख़त्म हो गई है, नीचे तक लेके नहीं जाएंगे, थोड़ा सा ओवर हो जाएगा, बस इतना आपने बनाना है. बाकी पूरा ड्रेस प्लेन है, सिर्फ और सिर्फ हमने इसमें लगा दी है ये सिल्क की पट्टी, और स्लीव्स भी हमने बिल्कुल प्लेन रखी है, सिर्फ और सिर्फ ये लेस लगा दी है. तो ये हमारा हो गया लॉन का ड्रेस, हमने किस तरीके से फॉर्मल पहनना है, गर्मियों में किस तरह हमने इसको यूज़ करना है. चलो डिटेल वीडियो आप लोग देख लें, फिर नेक्स्ट वीडियो पे आते हैं. ये सेकंड ड्रेस आ गया है और इसमें भी हमने क्या किया है कि एम्ब्रॉयडर्ड फ्रंट है, तो पाइप एंड पट्टी को फॉलो करते हुए गले पे हमने लंबी सी पाइप एंड पट्टी लगवा ली है और 3 शीशे वाले बटन हैं, और आस्तीनों में भी बस लेस लगा ली और टाइट सी बटन वाली आस्तीनें हैं, जो कि मैंने आपको बताया था सिल्क की पाइप एंड पट्टी है, और पाइप एंड पट्टी थोड़ी सी हमने बाहर भी लगा ली है. और लेस आप देख सकते हैं कि चाकों पे आके ख़त्म हो रही है, थोड़ी सी मोटी लेस है, थोड़ा सा लुक अच्छा आता है पहनने से, थोड़ा सा हैवी लुक आता है. बाकी पूरा ड्रेस प्लेन है, सिर्फ और सिर्फ पाइप एंड पट्टी लगी हुई है. ये आ चुका है हमारा नेक्स्ट ड्रेस, और ये भी बिल्कुल लॉन का ड्रेस है. अच्छा, इसमें मैंने आपको कल कट्स वाले बताए थे ना, ये देखें इसमें भी कट्स बने हुए, लेकिन इसमें जो है ना छोटे पर्ल्स लगे हुए, छोटे पर्ल्स लगे हुए इसमें. इसके जो आप देखें, ये भी कॉलर है,
ओके, और ये लेसेस लगी हुई हैं दो बीच में, जो है ये टेलर ने पर्ल्स टांग दिए हैं। ये हल्की फुल्की सी हमने लेस ले ली है ताकि इसके अच्छा सा गला पट्टी जो है वो बन जाए। और आस्तीन हमने थोड़ी सी बेल रखी है, आस्तीन में यही कट्स आ गए हैं, पर्ल्स आ गए हैं, बड़ा पर्ल, छोटा पर्ल, और लेस हमने यहाँ लगाई है। सेम यही दामन है, पाइपिंग पट्टी के साथ दामन है, और दामन में जो है ना इसने बड़े पर्ल्स लगाए हैं, जो आई पर्ल्स होते हैं वो आप देखें दो तरह के लगाए हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है, ये देखें दो तरह के पर्ल्स लगाए। डिटेल वीडियो देखकर आ जाएं आप, फिर हम लोग जो है वो। एक और हमारा ड्रेस है, ये भी प्रिंटेड है, पूरा एक ही प्रिंट का ड्रेस है। तो हमने क्या किया है, इस पर थोड़ा सा ब्लैक का टच देते हुए लेस ले ली, और ताकि थोड़ा अच्छा लुक आए, थोड़ा कंट्रास्ट में लुक आ जाए, और थोड़ी सी लंबी सी हमने लगा दी ताकि अच्छे जो है ना हमारी गले की पट्टी अच्छी सी बन जाए। और ये कट्स मैंने आपको अपनी कल वाली वीडियो में भी दिखाए थे, बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसमें छोटे छोटे से पर्ल्स लगा दिए ताकि अच्छे लगे, नाजुक से लगे कट्स बना के। और आस्तीन में आप देख सकते हैं कि हमने ऊंचाई में थोड़ी सी लेस लगाई है, दामन पे भी यही कट्स हैं, और लेस थोड़ा सा गैप देके लगाई है, और आस्तीनों में भी इस तरीके से गैप देके लेस लगाई है। ये हैंगिंग्स देख लें आप लोग, बड़े पर्ल्स हैं और छोटे पर्ल्स हैं। ओके गाइस, तो हमारी आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आप लोगों को ड्रेस डिज़ाइंस अच्छे लगे होंगे, आप लोग अपनी अम्मी के लिए बनाएंगे, अपनी मदर इन लॉ के लिए बनाएंगे, या जिसके लिए भी आपका दिल चाहे आप बनाएं। कभी कभी कुछ अपनी अम्मी के लिए भी करना चाहिए, अपनी मदर इन लॉ के लिए करना चाहिए, वो हमारे लिए इतना करते हैं हर वक्त। तो वैसे कपड़ों से हर औरत खुश है ना। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, जाते हुए आपने करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आगे आने वाली तमाम न्यू वीडियोज़ आप तक आसानी से और फ्री में पहुँच जाए। जाते हुए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।